नमस्ते, मेरा नाम है अनिशा रॉय। 2024 में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसपे मैं फेस टू फेस सामने आई हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है इसलिए मुझे आना था। आज का डेट 11/1 यानि 111। न्यू बिगिनिंग, विश फुलफिलिंग, बहुत सारे चीज़ें। ये जो न्यू मून आने वाले हैं इसके हिसाब से हम आज कुछ उपाय करेंगे, अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, एंड बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं जिससे आपके विश बहुत अच्छे से फुलफिल हो सकता है। या तो आप जो गोल अचीव करना चाहते हो वो गोल आपको मिल जाए, अचीव हो जाए। एक्चुअली अमावस है तो कल शाम को ही अमावस के जो तिथि है वो लग चुके हैं। इस टाइम पे अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कल किसी कारणवश मेरे बाथरूम में आग लग गई थी। थैंक गॉड के डिवाइन ने हमें दिखा दिया, वरना वो भयानक रूप धारण कर सकते थे। तो छोटे छोटे मिस्टेक से बड़े बड़े परेशानी हो सकते हैं, बिकॉज अटैक्स बहुत है। मॉम को भी सपने में आए थे, कुछ भूत प्रेत आके उनके गला दबा रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुझे भी दिखाई दिया था ऐसे कुछ, पर वो सारी चीज़ें मुझसे काफ़ी दूर थे। बाबा उन सब के पिटाई भी करवा रहे थे, मुझे कोई छू नहीं पा रहे थे। मेरे ड्रीम में भी आए थे, मैंने देखा था, परसों रात की बात है। तो कल जब वो हादसा हुआ, बाथरूम में आग लग गई थी, बहुत धुआं धुआं हो गया था, कुछ कपड़े भी जल गए थे। वो सस्ता वाला हीटर होता है ना, वाटर हीटर, जो पानी को गर्म करते हैं। तो बाई मिस्टेक शायद बेबी ने ऑन रख दिया था और वो नीचे गिर गया था, तो कपड़ों को जला दिया और आग लग गई थी। तो उसको मैंने पानी से बुझा दिया, समय रहते, कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ। एंड अटैक्स समझ में आया तो हमें क्या करना है। पहले तो हमें ये सारे एनर्जी क्लियरेंस करनी है। तो आप क्या करो, एकदम अच्छे से रेडी हो जाओ, घर को साफ कर लो, मंदिर साफ कर लो, बिस्तर वगैरह सब क्लीन कर लो, मंदिर, भगवान के मूर्ति सब साफ कर लो, अच्छे से नहा धो के पूजा कर लो। अभी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, प्रे कर लो और जो भी मंत्र चैंटिंग करते हो वो कर लो, नॉर्मल मेडिटेशन। एंड शाम के टाइम पे कुछ स्पेशल काम करते हैं। पहले आप एक A4 साइज के पेपर ले लो। ये मेरे पीछे जो पेपर दिख रहा है, ये मेरी बेटी ने प्लान किया दिस ईयर उसका रूटीन इस तरीके का। तो आप भी एक नॉर्मल पेपर ले लो, पेन ले लो, ठीक है। एक छोटा सा परफ्यूम या रूम फ्रेशनर जो होते हैं ना, मेरे पास है एक रजनीगंधा का, बाबा को बहुत पसंद है। जब भी मैं संध्या आरती करती हूँ वो रूम फ्रेशनर रूम में छिड़क देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। वो रजनीगंधा का है रूम फ्रेशनर, मैं दिखाती हूँ। ये है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। ऐसे ही ये रूम फ्रेशनर आप रूम में छिड़का सकते हो नॉर्मली। रियली रियली ब्यूटीफुल स्मेल। तो ऐसे बॉटल्स आप परचेस कर सकते हो, और नहीं तो कोई भी इतर या जो खुशबू आपको अच्छा लगता है वैसा आप रख सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, एंड एक पेन लेना है, ऐसे एक रूम फ्रेशनर या स्प्रे या परफ्यूम रखना है जो लेस केमिकल हो, ठीक है। और शाम के टाइम पे
भगवान के रूम में या हर जगह पे पहले कपूर जलाए, कपूर जलाए और अच्छे से आरती करे, ठीक है। पूरे घर में घूम घूम के कपूर दिखाओ, ठीक है, और पूरे कपूर के धुएं से पहले एनर्जी क्लीन करो। जब ये काम करो तो आप जो भी मंत्र बोलते हो, लाइक मैं बोलती हूँ जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरीके से आप बोलते बोलते पूरे घर को पहले क्लियरेंस करो, एनर्जी क्लियर करो। जो भी अदर एनर्जी आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइमिंग ही वैसा है, वो उनकी भी गलती नहीं, वो भी जो अमावस होते हैं इस टाइम पे वो भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं अदर एंटिटीज के एनर्जीज। तो आप क्लियर करो पहले कपूर से, पूरे घर को दिखाओ, ठीक है। एंड एक जगह पे जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन करते हो, या जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हो, या बालकनी में या टेरिस में, जो भी आपको शांत प्लेस लगता है जहाँ पे आप बैठते हो, तो वहां पे भी अच्छे से दिखा के चारों ओर घुमा के फिर उसे रख दो, ठीक है। अब आप एक दिया जलाओ, घी का दिया जलाओ, घी का दिया जला के भगवान जी को अच्छे से दिखाओ। आरती उतारते हो वैसे उतार लो, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक अगरबत्ती है तो जलाना, वरना यहाँ के जो अगरबत्ती होते हैं बहुत केमिकलाइज्ड है। मैं जब गौ माता पालन स्टार्ट कर दूंगी ना, गोबर के अगरबत्ती बनाऊंगी कपूर और एकदम देसी, तब आप सब मुझसे खरीद लेना। तो अभी तो फिलहाल आपको जो उपाय बता रहे हो वही करो। तो घी का दिया जलाओ एंड अगरबत्ती अगर ऑर्गेनिक मिलता है तो आप जला सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सुगंधित कर लेते हो, जगह को क्लियर कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है। अब स्टेप्स करते हैं। पहले घी का दिया जलाए, ठीक है, उसके बाद वो पेपर जो आपने लिया उसके ऊपर पेन से लिखे ओम नमः शक्ति शिवाय, जय श्री राधे कृष्ण, ठीक है, हरिओम, जो भी आपके गुरु का नाम है, जो भी आप करते हो वो ऊपर पहले लिखे। अब उसमें लिखिए थैंक यू यूनिवर्स हमें इतने खुश रखने के लिए, हमें वो सब देने के लिए जो भी हमें ज़रूरत पड़े या जो भी हम डिज़र्व करते थे, आपने हमें सब प्रोवाइड किया, थैंक यू सो मच, इतना लिख लिए। उसके बाद आज 11 तारीख है और आज के हिसाब से हम लोग कितने विश करेंगे, 11, 1, 1, 11। तो क्या करना है, पहले नंबर 1 इतना जो हमने बोला वो आपने लिख लिया। उसके बाद उस पेपर में आप लिखिए फर्स्ट विश, आपका पहला विश क्या है। पहला विश छोटे से छोटे, मतलब इस साल में आपको जो जो अचीव करना है, इस तरीके से गोल बनाओ और छोटे से छोटे, जैसे हो सकता है आपको अपना पर्दा चेंज करना हो, कि घर के पर्दे बहुत पुराने हो गए उसको चेंज करते हैं, या तो बहुत ठंडी है एक रूम हीटर लाना है, ठीक है, या तो ठंडी के मौसम आ रहे हैं हमें एसी लेना है, बहुत ही चीजों का ही जो भी आपके डिजायर होते, नया मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, पुराने मोबाइल बहुत पुराने हो गए एक नया मोबाइल ले लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, एक कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे लेना था, कुछ भी जो भी आपके डिजायर है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। तो आपको इस साल में जो जो चाहिए उसके हिसाब से आप लिखिए 10 चीज जो जो आपके डिजायर है। रैंक हासिल करना है, पोजीशन हासिल करना है, ठीक है, कुछ कोर्स कर लेना है, कुछ सीख लेना है, डांस कर लेना है, गिटार सीख लेनी है, वॉट एवर आपके जो विश है आप 10 विश लिखे, ठीक है, 10 विश लिखे एंड जो भी आपको अच्छा लगता है लिखते गए। 10 विश के बाद 1, 1, 1 पहले लिखिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन्स, थैंक यू ऑल गुरुज, थैंक यू ऑल पवित्र आत्माएं एंड डिवाइन सोल्स, सबको थैंक यू कहते हुए 1, 1, 1 के बाद अब लिखिए आपका जो मेन विश है,
अगर आप डीएम से शादीशुदा हो, जाहिर सी बात है कि आप कुछ और मांगोगे कि उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए, या आप कहीं घूमने चले जाओ, है ना, या आपको बेबी नहीं है तो बेबी आ जाए, बेटा आ जाए, जो भी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अच्छे जॉब भी मांग सकते हो, मतलब जो आपके विश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन सोल के लिए है, हर कोई कर सकते हैं ये उपाय। तो आपके जो विश है, मेन विश, जाहिर सी बात है अगर आप डीएमडीएफ जर्नी में हो तो यही मांगो कि मेरे और उनके शादी हो जाए, तो आप मांग सकते हो 11 नंबर विश में, ठीक है। ये 11 नंबर विश में आप वो सब वो लिखो, दो लाइन में लिखो, ठीक है, कि ये हमें हो जाए, पूरे हो जाए, कि मैं उनसे शादी कर लूं। ये आप अर्जी लगा रहे हो, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, जो भी आपके मेन विश है वो लास्ट में 11 नंबर पे, ठीक है। मेन विश के बाद उस पेपर को, जैसे ये पेपर है ना, उस पेपर में आपने लिख लिया, अब लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स लिखो एंड प्रे करो। थैंक यू डिवाइन, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सखा कृष, आई लव यू सखी राधे, ठीक है। थैंक यू शिव शक्ति, आई लव यू बाबा माँ, थैंक यू गणपति भैया, थैंक यू कार्तिकेय भैया, जैसे आप लिख सकते हो प्यार से लिखो थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद उस पेपर को लो, उसमें 1 रुपये का सिक्का को रखो, उसको फोल्ड करो और जो परफ्यूम था उसको छिड़का दो, खुशबू वाला, ठीक है। अब उसको ऐसे फोल्ड करके, लाल धागा है तो लाल धागे से बांध दो। लाल और पीला यूज करोगे तो बहुत अच्छा है, मौली होते हैं लाल और पीला, तो मौले से उसको धागे को अच्छे से बांध दो आपके पेपर को, उसका हाथ में लो एंड प्रे करो कि बस मेरे ये सारे विश आज फुलफिल हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स हमारे विश फुलफिल करने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, हमारे इच्छाओं को पूरे करने के लिए। इस तरीके से आप बोलें एंड उसको जो पेपर अपने किया है उसको ले जाके भगवान जी के मंदिर में, किसी भी स्थान पर, पवित्र स्थान पर, मंदिर के ऊपर या नीचे या भगवान के मूर्ति के पीछे कहीं पे भी आप रख दो, ठीक है, वो रख दो बंद करके और बस भूल जाओ उस विश को, अब भूल जाओ उस पेपर को, रहने दो, ठीक है। कहीं सेफ जगह पे आप रख दो, पवित्र स्थान मंदिर ही होते हैं, कोई कोई अगर मंदिर इतना सेफ नहीं लगता है तो आप अपने किसी लॉकर में या बॉक्स में भी रख सकते हो। मेक श्योर के वो क्लीन जगह हो, क्लीन प्लेस हो, ठीक है। वो आपने रख दिया मौली से बांध के एंड जो दिया आपने दिखाया था वो माँ तुलसी के पास ले जाके रख दो, ठीक है। इतना उपाय आप कर लो एंड देखो कैसे आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विश फुलफिल हो जाते हैं, इस साल के एम, ठीक है। इस तरीके से आप काम करो अपने ऊपर और घर के चारों ओर साफ सफाई रखने की कोशिश करो, मन को क्लीन रखो और 24/7 खुश रहो, हंसते रहो, ठीक है, जिससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम कठिनाइयों को देखे हैं, दुख तकलीफ को झेले हैं, तभी आज खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रात नहीं देखे होते तो दिन का उजाला इतना सुनहरा होता है हमें कैसे पता होता। तो दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलू को देख के समझ के ही जीने का नाम है जिंदगी। 3D world, 5D world बैलेंस रखे, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए, सब मिलेगा जो भी आपके विश है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।